दुनिया भर में जादू का जो परचम फहराया है वो है कानपुर के मशहूर ओपी शर्मा जादूगर, जो हमारे सबके बीच में नहीं है, लेकिन जो उनकी विरासत है उसको बखूबी संभाल के रखा हुआ है जूनियर ओपी शर्मा जादूगर हैं, जो इस समय लखनऊ में मौजूद हैं और अपना जादू का जलवा बिखेर रहे हैं। हम मौजूद हैं बातचीत करने के लिए जूनियर ओपी शर्मा जादूगर से, किनके जानते हैं कि जो लखनऊ में आए हुए क्या कुछ खास लोगों के लेकर आए हुए हैं। सर, सबसे पहले तो नमस्ते, हमारे चैनल वी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। जाना चाहिए सर, पहले से जो जिस तरह से जब हम जादू का नाम सुनते हैं तो जादू कितना होता है उसमें और कितना साइंस का रोल होता है? देखिए, जादू ये पूरी तरह से ये जो कला है विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है और इसको मनोवैज्ञानिक ढंग से दर्शकों के सामने एक अच्छे प्रस्तुतिकरण के साथ प्रस्तुत किया जाता है, यही जादू है। तो इसमें मुख्य रूप से जो आधार है वो विज्ञान और तकनीकी है और इसे बहुत अच्छे प्रैक्टिस के बाद लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। सर, आपने बहुत सारे शोज़ किए हैं, तो क्या कोई ऐसा शो है जो आपके यादगार पल रह गया हो, ऐसा कोई एक शो? देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं कि जैसे हम अलग अलग शहरों में शो करते हैं तो किस शहर में शो बहुत अच्छा चला हो या बहुत अच्छा लोगों ने पसंद किया हो, ऐसे तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी हम लोग लगभग सभी बड़े शहरों में शो करते हैं। इसके अलावा पूरे देश में लगभग जो बड़े शहर हैं उसमें अपने शोज करते हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने जयपुर में शो किया, वहाँ जयपुर के अंदर बिरला ऑडिटोरियम है, बहुत अच्छा ऑडिटोरियम है। पिछले वर्ष हम लोगों ने शो किया लगभग 37 डेज डेली 300, तो वहाँ जो रिस्पांस रहा दर्शकों का ये बहुत ही यादगार रहा। लखनऊ में भी हम लोग 8वीं बार अपना शो लेकर आए हैं और यहाँ भी दर्शक हमें बहुत पसंद करते रहे हैं और हर बार हमारे शो को सफलता मिलती रही है और इस बार भी हम उसी उम्मीद से आए हैं। हमारा जो डेली यहाँ 2 शो हैं, 4 बजे और 7 बजे, शनिवार रविवार के दिन 300 हैं, 1 बजे 4 बजे 7 बजे, और जो छुट्टी के दिन हॉलीडेज जैसे अभी ईद आ रही है, ईद पे और भी जो गवर्नमेंट हॉलीडेज हैं उसमें 300, 1 बजे 4 बजे 7 बजे। 8वीं बार सर आप लखनऊ आए हैं, तो क्या कुछ खास लोगों के लिए इस बार प्रस्तुति लेकर आए हैं, जादू जिसको कहा जाता है? देखिए, हम लोग जब भी आते हैं कुछ ना कुछ नया ज़रूर लेके आते हैं। इस बार भी हमारे पिटारे में बहुत नई नई चीज़ें हैं जिसमें ड्रिल ऑफ डेथ, द ग्रेट इल्यूजन ऑफ इंडिया, इल्यूजन ऑफ अमेरिका, स्वप्न सुंदरी और भी बहुत सारे आकर्षण हैं जिस पर हम लोग लेकर आए हैं। सर, ऐसे तो आपने बहुत सारे शोज़ किए हैं, तो जो जब कोई नई ट्रिक या फिर या यूँ कहें जादू जो आप दिखाते हैं लोगों को, तो उसको करने में कितना चैलेंजिंग रहता है सर आपके लिए? देखिए, देखने वालों के लिए तो बड़ा आसान सी चीज़ है कि हमने इस बार नया आइटम देखा, लेकिन उसको तैयार करने के लिए मतलब बहुत बड़ा हमारे पास नेटवर्क है, उसकी टीम है, हमारे पास लगभग 13 इंजीनियर्स हैं, इसके अलावा हमारी पूरी रिसर्च टीम है, हेड ऑफिस में हमारे जो हमारा अपना वर्कशॉप है जहाँ ये आइटम हम तैयार करते हैं, हमारे पास अपने कारपेंटर, अपने पेंटर, अपने टेलर जो सारी चीज़ें तैयार करते हैं, इसके अलावा म्यूज़िक कंपोज़र, डायरेक्टर्स, कोरियोग्राफर्स, ये सब लोग की पूरी टीम है जो नए शोज़ को हमको तैयार करने में हमारे साथ मदद करती है। सर, आपने जिस तरह से अभी ड्रेस की बात की है कि वो भी तैयार की जाती है, जब हम स्टेज पे देखते हैं आपको तो आप यूनिक रहते हैं, मेकअप भी यूनिक रहता है, आज आप बिल्कुल अलग ही हैं साधारण कपड़ों में, तो अगर जैसे देखा जाए तो जादू तो आप साधारण कपड़ों में दिखा सकते हैं, तो उसका रोल कितना रहता है जो आप जिस तरह से स्टेज पर आते हैं? देखिए, जादू की अभी परिभाषा हमने बताई थी कि जादू विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है और इसे मनोवैज्ञानिक ढंग से एक अच्छे प्रस्तुतिकरण के साथ प्रस्तुत किया जाता है, तो उसमें हमने बीच में एक वर्ड यूज़ किया मनोविज्ञान। तो ये जो ड्रेस है ये एक तरीके से जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है मैजिक का, उसमें बहुत सहायक होता है। आदमी
जादूगर को एक अच्छी वेशभूषा में देखता है तो अंदर से उसको फील होता है कि हम मैजिक शो देख रहे हैं, तो वो जादूगर के लिए आसान हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी माइंड सेट हो चुका होता है कि हम जादू देखने वाले हैं। हाँ, तो सेट सेटिंग्स जो हैं, सेट्स हैं, लाइटिंग्स हैं, कलर कॉम्बिनेशंस हैं, कंट्रास्ट है, म्यूजिक की फ्रिक्वेंसीज हैं, ये सारी चीज़ें ही तकनीकी इक्वेशंस हैं जो एक इल्यूजन को क्रिएट करने में मदद करती हैं। सर, जिस तरह से आपके पिताजी की विरासत है ये पूरे धरोहर, जिसको आपने बहुत ही बाखूबी संभाल के रखा हुआ है, आगे ले जा रहे हैं, अगर बात करें सर उन्हीं के साथ आपने बहुत सारे शोज़ किए हैं, तो कौन सा ऐसा सर अगर ट्रिक है या फिर बातें हैं उनकी या फिर जादू कहें जो आप संपत्ति के रूप में मानते हैं अपने साथ? देखिए, पूरा मेरा तो जन्म ही जादुई वातावरण में हुआ और हमको लोग कहते रहे कि अभिमन्यु की तरह से गर्भ में ही जादू सीख के पैदा हुए, तो मेरे को तो सब कुछ विरासत में और सारा वातावरण, सब चीज़ें पिताजी के माध्यम से मुझे मिली। चूँकि ये विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कला है, इसके लिए हमने फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की ताकि इस कला में और अच्छे तरीके से इसको आगे बढ़ाया जा सके। तो जो उन्होंने एक, जैसे मकान होता है कि एक मंजिल उन्होंने बना दी, फिर हमको जब मकान में आगे बढ़ाना है तो दूसरी मंजिल बनानी है, तो हमें नींव से काम नहीं करना है, जो चीज़ें एक प्लेटफॉर्म बन चुका है उससे आगे हम लोग काम कर रहे हैं और इसको और ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। सर, एक लास्ट है कि आगे कुछ ऐसी आपकी प्लानिंग चल रही है जो जनता में जो ट्रिक कहें या प्रस्तुति कहें या फिर जादू जो लोग साधारण भाषा में कहते हैं देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा नया सर? देखिए, जो आज के समय में तैयार हो चुका है वो आज हम शो उसका प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक पत्रकार महोदय ने पूछा था कि डिजिटलाइज कितना आपके शो में है, तो उस पर हम लोग बहुत नई चीज़ों पे काम कर रहे हैं और जल्द ही जब अगली बार हम अपना शो लेके आएंगे तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे लखनऊ वासियों से सर? देखिए, बहुत अच्छा समय है, त्यौहार का भी मौसम है, ईद है, नवरात्रि है और बच्चों के ऊपर अभी नया सेशन चालू है, पढ़ाई का कोई विशेष ऐसा भार नहीं है, कोई लोड नहीं है, टेंशन नहीं है और उपयुक्त समय है। सब लोग मौका निकाल के ज़रूर शो देखें क्योंकि आज के इस समय में, इस बार तो बहुत जल्दी आना हुआ, अब आगे कितने सालों बाद आएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता, तो जो चीज़ अभी सामने है इसका पूरा लुत्फ लें, मज़ा उठाएं। ऑनलाइन टिकटिंग की हमारे यहाँ फैसिलिटी है जिसमें magicianopsharma.com पे आप ऑनलाइन टिकट एडवांस में बुक करा सकते हैं, तो हमारा यही कहना है कि ज़रूर इस जादू कला का आनंद लें। धन्यवाद सर। हमारे साथ जूनियर जादूगर ओपी शर्मा, जिन्होंने बताया कि जो लखनऊ आए हुए हैं तो क्या कुछ नया लेकर आए हैं, आप इनका जादू आकर देख सकते हैं और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आपको इनके टिकट अवेलेबल हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि जो नई ट्रिक या फिर जादू जो प्रस्तुत करते हैं मंच पे कितना चैलेंजिंग इनके लिए रहता है, क्योंकि हम लोग तो देखते हैं उसको कि हमारे लिए वो जादू रहता है, लेकिन इनके लिए पूरा एक काफ़ी टाइम लगता है इनको इसको प्रस्तुत करने में। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ मनु तिवारी, वी न्यूज़ लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।